नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं विशेष खबर पर। बारामूला में आतंकियों के ठिकानों से मिले चीन के झंडे, 44 गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने बारामूला के पुराने शहर में तलाशी अभियान के दौरान आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में 44 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास बड़ी मात्रा में पेट्रोल बम, चीन और पाकिस्तान के झंडे, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के लेटर पैड बरामद किए गए हैं। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, BSF और CRPF के साझा ऑपरेशन में बारामूला के पुराने शहर के 10 संवेदनशील इलाकों में अभियान चलाया गया। इसके तहत मंगलवार को 12 घंटे के भीतर करीब 700 घरों की तलाशी ली गई। ये अभियान पिछले 100 दिनों के हड़ताल के बाद सबसे बड़ा सुरक्षा बलों का अभियान है। सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई पक्की सूचना के आधार पर की। छापे के दौरान गैर कानूनी मोबाइल फोन, राष्ट्र विरोधी सामग्री भी जब्त की गई। इसके अलावा लंबे समय से तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों के संदिग्ध अड्डे भी तबाह किए गए। उल्लेखनीय है कि कश्मीर में पहली बार आतंकियों के पास से पाकिस्तान के अलावा चीन के भी झंडे मिले हैं। एक ओर चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र में कुख्यात आतंकी अजहर मसूद का बचाव और दूसरी तरफ आतंकियों के पास से मिले चीन के झंडों ने सरकार के साथ खुफिया एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए हैं। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले में एक BSF का जवान शहीद हो गया और एक अन्य घायल हो गया था। बाद में आतंकी भागने में सफल हो गए थे। वहीं 17 अगस्त को भी आतंकियों ने बारामूला में घात लगाकर सेना के काफिले पर हमला किया। हमले में सेना के 2 जवान और एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। यहाँ पे आतंकी हमला करने के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर वे भाग निकले थे। गौरतलब है कि घटना में आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी और 2 अन्य आतंकवादियों के मारे जाने के अगले दिन 9 जुलाई से ही अशांति का दौर जारी है। त्योहारों के मद्देनजर देश में आतंकी हमले की आशंका भी बताई जा रही है। इस सूचना के बाद देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। त्योहारों के मद्देनजर लश्कर और जैश के आतंकी ISIS की तर्ज पर बड़े शहरों में लोन वुल्फ अटैक की घटना को अंजाम दे सकते हैं। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। बारामूला में आतंकियों के ठिकानों से चीन के झंडे बरामद, 44 गिरफ्तार। मुंबई हवाई अड्डे के पास ड्रोन दिखाई दिया। अदालत ने कहा कि देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सभी शहीद। अंतरिक्ष प्रयोगशाला में पहुंचे चीन के अंतरिक्ष यात्री। सऊदी अरब के एक शहजादे को मौत की सजा।